मॉर्निंग गाइस। सो आज का बहुत ही साला बेकार वाला दिन था, क्योंकि सुबह का एक मस्त वाला स्नाइपर ट्रेड जो था अपना पूरा एग्जैक्टली हमारा टारगेट जो था 50-60 रुपीस वाला एग्जैक्टली वहां तक गया। मैं यहां पे टेलीग्राम पे पोस्ट करते करते मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया था कि वहां पे जब भी आए एग्जिट हो जाए। ओ भाई, जहां से वो एग्जिट हुआ एग्जैक्टली 3:43 में एग्जिट हुआ, एंड वही सेम वाला सेम मिनट में ही सीधा चले गया 420। मतलब जो 111,000 में जब मैंने उसको एग्जिट किया, अगर मैं उसको एग्जिट नहीं करता टोटल एग्जिट होता समवेयर अराउंड 2,50,000 या 2,60,000 ऐसे कहीं एग्जिट होता। बट एनीवेज, बैड लक भाई, इतना मस्त वाला ट्रेड था, बहुत झुलाया था। एंड टेलीग्राम पे भी ये वाला ट्रेड मैंने दिया हुआ था। हम लोग पूरा वेट कर रहे हैं, पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं, वेट पूरा पेशेंस टेस्ट हो गया। लास्ट में एग्जिट हुआ भी तो एग्जैक्टली टारगेट पे ही एग्जिट हो गया लिमिट ऑर्डर। कल से मैं लिमिट ऑर्डर नहीं डालूंगा, कल से बैठूंगा साला। या तो बड़ा टारगेट लेके जाएंगे, नहीं तो वही 1,00,000 के अंदर ही निकाल देंगे। आज और भी बहुत सारा घटना हो चुका है। मैं आपको एक बार, आई नीड टू गो ड्रॉप माई वाइफ एंड तपस वाइफ इन नियर बाई पार्लर, उनको छोड़ के उसके बाद जाके बात। सो अभी जस्ट मैं इंटरनेट में कहीं तो पढ़ रहा था, कोई पूछ रहा था कि ये फिर अपने कोर्स क्यों बेच रहे हैं, कोई तो अपना स्ट्रैटेजी को बताता नहीं है। अगर ये अपने स्ट्रैटेजी से पैसा कमाते हैं तो फिर स्ट्रैटेजीज को कैसे बता रहे हैं लोगों को, कैसे क्यों सेल कर रहे हैं। मेरे को ये लोग सबसे ज़्यादा हंसी मतलब लगता है जो बोलते हैं कि जिनके पास स्ट्रैटेजी रहता है, जिनके पास उनका खुद का एज रहता है, वो कभी भी शेयर नहीं करते, नहीं तो फिर सबको मालूम पड़ जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है चीज़। आप अगर, आपको लगता है अगर मार्केट में आप ही अकेले स्मार्ट हो, आपको ओनली, आपके पास स्ट्रैटेजी और की पास स्ट्रैटेजी नहीं है, दैट इज़ द मोस्ट बोगस थिंग टू इवन डिस्कस कि आपको ओनली मालूम और किसी को मालूम। भाई मार्केट में सब कुछ सबको मालूम रहता है, इट्स ऑल अबाउट एग्जी। आपको कोई भी कुछ भी स्ट्रैटेजी दे दे या कुछ भी दे दे, जब तक आप भाई एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। लोगों को लगता है कि भाई स्ट्रैटेजी अगर हम किसके साथ शेयर कर देंगे, ये स्ट्रैटेजी लीक हो जाएगा तो उसके बाद उनका प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। वैसे कुछ भी चीज़ नहीं है कि स्ट्रैटेजी हो जाए किसी के पास चले जाने से आपका लॉस हो गया, कुछ भी होगा, वैसे कोई भी चीज़ नहीं है। मैं बहुत जगह लोगों को देखता रहता हूँ कि अगर उनका स्ट्रैटेजी जो उनको पैसा मिलता है वो स्ट्रैटेजी को क्यों बेच रहे हैं, वो कोर्स बनाए क्यों बेच रहे हैं। भाई कोई भी आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी बताए, जब तक आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करोगे यू आर नेवर गोइंग टू मेक मनी। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है मार्केट में जो कि किसे छिपका हो गया। SL हंटिंग हो गया, ट्रैप ट्रेडिंग हो गया, पकड़ लो कि नॉन डिरेक्शनल स्ट्रेटेजी हो गया, कुछ भी हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मार्केट्स में छिपा हुआ है कि या फिर किसी को आता। सब कुछ चीज़ सबको मालूम है, बस एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। जब तक आप खुद एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, एंट्री एग्जिट आपका परफेक्ट नहीं होगा, आपको कोई बचन, नो मैटर हाउ मेनी कोर्सेस यू बाय, हाउ मेनी एल्गोज यू गए, वॉट एवर यू बाय, जब तक आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट ये जब तक नहीं होगा यू आर नेवर गोइंग टू मेक मनी। एंड फाइनली अपना जीरो हीरो कोर्स का सारा वीडियोज ऑलरेडी शूट हो चुका है एंड सब कुछ अपलोड भी हो चुका है। सो अभी रिगी वाले प्लेटफॉर्म मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप देखोगे तो ऐसे करके हमारा सब कुछ शूट हुआ है। तापस ने कहा है क्लोज टू 17-18 चैप्टर तापस खत्म किया हुआ है और 14-15 चैप्टर मैंने खत्म किया हुआ है। सो ऐसे करके हमने शूट कर दिया है, पूरा ऑलरेडी हो चुका है। एंड 1080p में हुआ क्योंकि 4K में कोई भी प्रोवाइडर अलाउ नहीं करते DRM प्रोटेक्टेड वाला कंटेंट। सो हमें पूरा सब कुछ 1080p में ही करना पड़ा। सो एवरीथिंग हैज बीन शॉट, एवरीथिंग हैज बीन एंडेड। एंड नीचे में मैं उसको आपको लिंक और कूपन कोड दोनों दे देता हूँ, आप डायरेक्टली जाके इसको, इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स यू कैन जस्ट गो अहेड एंड गो फॉर इट। एंड ये कोर्स बनाने से पहले मेरे को भी लगा नहीं था भाई इसमें इतना पापड़ बेलना पड़ेगा, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा है शूट करने को, एडिट करने को, सोचने के लिए कि लोगों को कैसा देखने पसंद लगे। एंड मेरे को नहीं लगता इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंडिया में आपको कोई भी कोर्स मिला, क्योंकि जितना हमने एफर्ट दे के उसको पूरा मतलब जीरो से लेकर मतलब एक्चुअल जैसे नाम है ना जीरो टू हीरो, वैसे स्ट्रक्चर मतलब कंटेंट को स्ट्रक्चर करने में मेरे को बहुत टाइम लगा कि कैसे अपन शुरू करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे एंड क्या क्या चीज़ दिमाग में आता है। उस सारे चीज़ों को मैंने पूरा लिस्ट बना के हर एक चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है। जो जो बंदों ने कोर्स लिया हुआ है लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा स्ट्रक्चर्ड मैनर, कैसे करिकुलम, कैसे आपको लगा, कैसे वीडियोज लगे, वो भी मेरे को नीचे कमेंट्स बताना, तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू नो कि चलो जिन लोगों ने देखा उनको कुछ तो हेल्प हुआ कि नहीं। एंड अगर मैं आपको ये वीक का ही ओनली रिपोर्ट बताऊँ, ओनली ये वीक का ही रिपोर्ट, मंडे के दिन फ्राइडे से BTST लेके गया हुआ था तपस, मंडे के दिन उसको एग्जिट किया समय अराउंड 1 करोड़। उसके बाद जाके ट्यूसडे में जीरो हीरो हमारा एग्जैक्टली वही सेम लॉजिक से, हमने स्क्रीनशॉट भी डाला था टेलीग्राम पे, लॉजिक में हमारे हिसाब से कहाँ पे एंट्री हुआ कैसे एग्जिट हुआ, जीरो हीरो अपना फिन निफ्टी का ट्यूसडे हो गया। वेडनेसडे के दिन मिड कैप में भी हमने वही सेम स्ट्रैटेजी को, यही सेम वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करें, मिड कैप में भी वी हैव ऑलरेडी डन द जीरो हीरो। उसके बाद जाके वेडने अपना थर्सडे के दिन, कल भी हमारा 2 हीरो जीरो हुआ, आज पकड़ लो आज था फ्राइडे, फ्राइडे के दिन सेंसेक्स
उसका भी 0-0 का हो गया, बट वो है कि हमारा एग्जिट नहीं हो पाया क्योंकि आज कुछ तो एरर था, जीरो धन बीएससी का कुछ तो पंगा हुआ भाई, टोटली एग्जिट करने दिया, क्लोज टू वही 20-30 लाख का प्रॉफिट लास्ट में जीरो हो गया क्योंकि 42 में वो एग्जिट ही नहीं करने दिया। आज मैं तो बहुत गाली दिया हूँ, ट्विटर में भी जो बंदे होंगे बहुत मैं गाली दिया हूँ क्योंकि पूरा अच्छा वाला ट्रेड इतना मतलब होल डे हमारा एनालिसिस में ही चले गया, उसके बाद एग्जिट ही नहीं हुआ। एंड उसके बाद मैं देख रहा हूँ जीरो था बोल रहे कि हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इशू था, उसी लिए हमारा कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अभी भाई अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इशू होता है तो एक इंडेक्स में कैसे होता है, ओनली बीएससी कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे होगा, ओनली सेंसेक्स में। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इशू था मतलब टोटल जीरो था डाउन हो जाना चाहिए, सब इंडेक्सेस डाउन हो, एक ही इंडेक्स कैसे डाउन, अगर भी एक इंडेक्स एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फीड खराब हुआ तब तो एक दो उनका फेल सेफ होगा, बैकअप होगा, सेकेंड डीसी लोकेशन में वो सब काम करना चाहिए, बट कुछ काम नहीं किया भाई, एग्जिट ही नहीं हो पाया। एंड एक तो पी में देख रहा था 0.38 रुपीज से 30 रुपीज चले गया, हमारा वाला हमने खुद लिया था 15-16 रुपए में वो 42 रुपीज हो गया, हम 40-30 सब में एग्जिट करने ट्राई किया भाई, एग्जिट हुआ ही नहीं, क्लोज टू 20-30 लाख का अच्छा खासा 20-30 लाख का प्रॉफिट हमारे आंखों के सामने टोटल जीरो हो गया। बट एनीवेज ठीक है, कभी ना कभी मतलब मेरे को उसी लिए इंडियन मार्केट्स में पैसा डालने के लिए भाई डर लगता है क्योंकि आप पकड़ लो आज अगर 20-30 लाख ही रिस्क था, कल अगर पकड़ लो 1 लाख 1 करोड़ का रिस्क होगा, एंड ऐसे हो के अगर ब्रोकर लटक गया उसके बाद भाई मेरे को नहीं लगता कोई भी ब्रोकर भाई रिफंड करें। इंडिया में तो ब्रोकर्स लोग मतलब टोटल बकवास है, कोई भाई रेस्पॉन्ड भी नहीं करते, इतना मतलब लोगों का हार्ड अर्न मनी लग रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, उसके बाद भी ना कोई सपोर्ट ना कोई रिफंड कुछ भी नहीं, टोटल इग्नोर कर देते हैं, मैसेज देख के भी लोग इग्नोर ही कर देंगे। मेरे पास अगर सच्ची का टाइम रहता ना मैं एक्चुअली खुद एक ब्रोकरेज बना सकता था, हम लोग आराम से बना सकते थे, कुछ भी नहीं है भाई, पैसा लगाओ, रेगुलेशंस है, लॉयर्स को हायर करो, टीम हायर कर दो, बना दो, कोई भी बना सकता है, पैसा अगर खर्च कर सकते हो कोई भी बना सकता है, बट हमारा भाई रिटायरमेंट का टाइम हो गया, अभी वो सब में घुसना नहीं है, जितना नहीं तो ऑडियंस है हम अगर बनाएंगे बिंदास आराम से बना सकते हैं, बट उसके लिए अभी भाई टाइम भी नहीं है। एनीवेज तो मैं एक्चुअली ये वाला वीडियो में और कुछ जोड़ना था, ये वाला जोड़ना पड़ा क्योंकि कल वी आर लिविंग फॉर फुकेट, क्योंकि तपस और उसकी वाइफ का यूरोप वाला वीज़ा नहीं बन पाया, उसका यूरोप वाला वीज़ा हम क्या करेंगे लौटने के बाद, फुकेट से उसके बाद जाके अप्लाई करें, उसके बाद जाके हमारा स्विट्जरलैंड वाला जो रोड ट्रिप है वो होगा, वो रोड ट्रिप के लिए हमें एक्चुअली जुलाई का फर्स्ट वीक से निकलना था, बट अपन निकल नहीं पाए क्योंकि वीज़ा वो लोग का आया नहीं था, हम लोग का वीज़ा आ गया है ऑलरेडी, उसी लिए दिमाग खराब हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि हर दिन मार्केट भाई किस दिन धन का इशू, जीरो था का, मैंने बोला कि भाई ये सारा मुंडी में ये सारा स्ट्रेस लेके नहीं हो सकता, कहीं अगर चलते हैं थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाएगा उसके बाद जाके आके फिर से मज़े थोड़ा आ जाए, क्योंकि दुबई में भी वेदर भी ठीक नहीं है, कहीं थोड़ा वेदर चेंज भी चाहिए, यहाँ पे पूरा गला फला पूरा ख़राब हो चुका है, 10 दिन से फालतू का खाली मतलब कोल्ड एंड कॉफ़ी चालू है, थोड़ा हवा अभी चेंज है, थोड़ा फुकेट फुकेट जाएंगे, थोड़ा पानी के अंदर जाएंगे, उसके बाद जाके थोड़ा पानी हो गया आइलैंड्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद जाके सब अधिक करके आ जाएंगे, उसके बाद जाके वी विल बी लीविंग फॉर अपना यूरोप वाला जो मेन वाला ट्रिप, उसके बाद और एक भी ट्रिप है मेरा वाला, वो वाला मे भी ये लोग सब जा नहीं सकते, थोड़ा डेंजर वाला ट्रिप है, बट जो भी ट्रिप्स रहेगा आपको वैसे भी वीडियोज में मालूम पड़ जाएगा। चलो भाई लोग आई थिंक वी नीड टू एंड इट हियर बिकॉज आई नीड टू लीव, अभी मेरे को एक वीडियो डालना है आज, जो वीडियो एक सेकेंड तो आज वाले वीडियो वाला वीडियो जोड़ ही देते हैं क्योंकि कल तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल अलग फुकेट से वीडियो आएगा, सो ये अलग वाला जो वीडियो एडिट हो गया था इसको इसी में ही जोड़ देते हैं।